हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल लाइफस्टाइल। सो दिस साइड तनु। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बेबी के नेमिंग सेरेमनी के सभी गिफ्ट आइटम्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन डू वॉच इट टिल द एंड। एंड बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड रेगुलर वीलॉग्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड in my channel then do subscribe, and now without wasting of any more time let's start with the video। फ्रेंड्स, गिफ्ट आइटम शो करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो हमारे बेबी की नेमिंग सेरेमनी थी वो हमने ज़्यादा लोगों को बुला के सेलिब्रेट नहीं किया था, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही थे। सिर्फ मेरी बुआ की बेटी थी एंड मेरे मम्मी पापा को भी आना था, बट ड्यू टू माई कज़न वेडिंग वो लोग नहीं आ पाए। सो लोग काफ़ी कम थे, सो उसकी वजह से गिफ्ट आइटम्स भी ज़्यादा नहीं होने वाली है। सो अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन सभी गिफ्ट आइटम्स। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरी बेटी के दादाजी का गिफ्ट। उन्होंने दिए थे मेरी बेटी को ड्रेसेस एंड सिल्वर बैंगल्स। सो दिखाना चाहूंगी आपको कि ये थे वो सिल्वर बैंगल्स। ये इस टाइम पे भी मेरी बेटी को थोड़े बड़े हैं तो अभी हम नहीं पहना रहे हैं उसको, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो पहनने की जरूरत है। सो ये थे सिल्वर बैंगल्स। एंड ड्रेसेस की बात करें तो एक ये टी शर्ट सेट है, इसमें बॉटम भी है और ये टी शर्ट भी है। सो ये टॉप है, बेसिकली बहुत बेबी पिंक कलर का बहुत प्रिटी सा टॉप है। इस पर जिराफ का प्रिंट बना हुआ है, जिराफ एंड कैट बनी हुई है बेसिकली। सो ये बहुत अच्छा टॉप लगा मुझे। सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी है यहाँ पे बटन वाली ओपनिंग लगी, इससे कि बच्चों को कपड़े पहनाना बहुत आसान हो जाता है, उनके गले में फंसते नहीं है तो वो इरिटेट भी नहीं होते, आराम से पहनाए भी जाते हैं। सो ये था टॉप एंड ये है इसी के मैचिंग का बॉटम। सो ये फर्स्ट ड्रेस थी जो बेटी के दादाजी ने दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड ड्रेस। सो जो सेकेंड ड्रेस है वो बेसिकली मिक्की माउस प्रिंट में है, ये भी सेट है बट ये लेगिंग वाला सेट है। इसका लेगिंग बॉटम है जो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, रेड कलर में मिक्की माउस प्रिंट हो रखा है पूरे में। बहुत क्यूट है ये, जब मैंने अपनी बेटी को पहनाया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ये वाइट एंड नेवी ब्लू कलर का टॉप है टी शर्ट, इसमें मिक्की माउस बना हुआ है, अल्फाबेट्स प्रिंटेड है। अगेन यहाँ पे बटन वाली ओपनिंग है सो पहनाने में काफ़ी इजी रहता है। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है पहनने में। सो ये थे दो ड्रेसेस एंड सिल्वर बैंगल्स दादाजी की तरफ से। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरी बेटी की बुआ की तरफ से जो भी गिफ्ट्स आए हैं। सो उन्होंने बेटी को दो ड्रेसेस दी थी एंड एक उन्होंने दिया था जो आजकल पोर्टेबल वार्डरोब आ रहा है किड्स का, मूवेबल होता है वो, उसका पिक्चर मैं साइड में इंसर्ट कर दूंगी बिकॉज हमने अभी उसको अनबॉक्स नहीं किया है, बट डेफिनेटली मैं उसका अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू वीडियो लेके आऊँगी आने वाले टाइम में। सो चैनल पर बने रहिए एंड जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिल जाएगा, सो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा वो वीडियो। सो अभी ड्रेसेस देख लेते हैं फिलहाल। सो फर्स्ट जो है वो इस तरीके की फ्रॉक है, ये एक्चुअली कॉटन फैब्रिक में फ्रॉक है, बहुत क्यूट है, कंफर्टेबल है, इसके ऊपर गर्ल प्रिंट हो रखा है एंड फ्लाई अवे होम लिटिल लेडी बर्ड, ये इस तरीके से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। पहनने का बहुत क्यूट लग रहा था, इस तरीके से बैक में बटन वाली ओपनिंग है, अगेन इजी हो जाता है पहनाना। सो फर्स्ट ये फ्रॉक है। नाउ अब जो सेकेंड फ्रॉक है वो कुछ इस तरीके की है, ये भी कुछ सिमिलर सी है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट डिजाइन है, बट जो पैटर्न है, स्टाइल है वो सेम ही है। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, बेबी पिंक कलर में है, चारी प्रिंट हो रखा है इसके ऊपर एंड रैबिट भी है, तो ये बहुत अच्छा लगा। इसमें भी अगेन बैक में बटन है फॉर आसानी से पहनाने के लिए। सो एक ये है, इसके साथ ब्लूमर भी आता है। एक्चुअली ब्लूमर जो था वो लास्ट वाली स्कर्ट के साथ भी था बट वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है क्योंकि बेबी को बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली धोना वगैरह, सो उसमें वो कहीं मिक्स हो गया, मुझे मिला नहीं, सो मैं आपको दिखा नहीं पा रही। तो ये ब्लूमर इस तरीके का ही है उस स्कर्ट के साथ, इसके साथ आ रहा है, तो ये सेट काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल भी है। सो यहाँ ये थे बुआ की तरफ से गिफ्ट, और जो अलमीरा उसका मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरे मम्मी पापा एंड मेरे भैया भाभी जो थे वो कज़न की वेडिंग की वजह से नेमिंग सेरेमनी में नहीं आ पाए, बट स्टिल उन्होंने बेटी के लिए गिफ्ट ज़रूर भेजे थे। सो उन्होंने भी
शगुन में कैश भेजे थे एंड दो ड्रेसेस थी। सो बेसिकली मैं आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ यहाँ पे। ड्रेसेस काफ़ी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। आप भी कुछ इस तरीके का अपनी बेबी के लिए ले सकते हैं। सो जो फर्स्ट ड्रेस है वो स्कर्ट एंड टॉप है, दिखाना चाहूँगी आपको इस तरीके से। ये ग्रे एंड पिंक कलर की कॉम्बिनेशन में है। सो दिस इज द टॉप, इसमें भी बैक पे बटन है, ठीक है। हाफ स्लीव टॉप है और ग्रे कलर का मटेरियल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो ये टॉप है एंड ये स्कर्ट है। सो बेसिकली मेरी मम्मी ने ये थोड़ा बड़े साइज में दिया है क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटी है, तो अभी कहीं बाहर आना जाना भी इतना नहीं हो पाता है, तो इतना यूजफुल नहीं रहेगा। थोड़ा बड़ा साइज होगा तो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो पहनने लायक हो जाएगी इसको, तो लुक भी अच्छा आएगा, तो इस वजह से थोड़ा बड़ा साइज है। तो ये एक ड्रेस है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ये अपने आप में बहुत सुंदर है, ग्रे एंड पिंक, बहुत सटल सा है। बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन के ड्रेसेस में। सो इसके साथ जो है वो एक मैचिंग बैंड भी दिया है। ये इस ड्रेस के साथ नहीं आया है, मेरी भाभी ने अलग से मैच कराया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से है कुछ बैंड। तो ये एक सेट हो गया प्रॉपर। तो ये पहला ड्रेस था मेरे घर की तरफ से। एंड जो सेकंड ड्रेस है वो एक डेनिम लुक में है, वो इस तरीके का। जो अंदर का टी शर्ट है वो इस तरीके का कुछ दिखता है, स्टार स्टार प्रिंट में है। पीछे अगेन बटन है, हाफ स्लीव है, स्टार प्रिंट में है, वाइट कलर का, बहुत अच्छा लगता है बेबीज पे। एंड इसके साथ जो आया है वो इस तरीके का डेनिम लुक में स्कर्ट आया है, फ्रॉक है ये बेसिकली, ऊपर जो डांगरी लुक में होता है ना फ्रॉक वैसा, उस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा लगता है पहनने के बाद। ऐसा कुछ लुक आएगा इसका, बहुत सुंदर। मैंने अपनी बेटी को पहना के फोटो भी खींची है, पॉसिबल हो पाएगा तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे साइड में फोटो। आप जरूर बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी है सारी ड्रेसेस। ये ड्रेसेस भी अच्छी है, प्लस जो मैंने आपको पहले भी दिखाई वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई। अगेन इसके साथ भी ये पिंक वाला बैंड मैच हो रहा है, सो ये भी पूरा एक तरीके से मैं इसके साथ भी यूज कर सकती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द बेबी नेमिंग सेरेमनी गिफ्ट आइटम्स। सभी तरीके की जो ड्रेसेस हैं आप अपनी बेबी गर्ल के लिए भी ले सकते हैं इसी स्टाइल्स में। बेसिकली जो कुछ ड्रेसेस हैं वो घर में पहनाने के काम आएंगी, कुछ जो बाहर हम पहना सकते हैं, सो इस तरीके से आप भी चूज कर सकते हैं। सो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कॉन्टेंट कैसा लगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।